हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है स्पेशल चटपटी और खास स्टोरीज। तो दोस्तों देखते हैं आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। कहा जाता है प्यार अंधा होता है, जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसा ही 80 के दशक में अपनी अदाओं से फैंस को दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री परवीन बॉबी ने भी किया था। परवीन बॉबी का कई बॉलीवुड एक्टर्स के साथ नाम जुड़ा था, लेकिन कहा जाता है कि परवीन बॉबी निदेशक महेश भट्ट से बेहद प्यार करती थी। परवीन बॉबी की मोहब्बत का ये आलम था कि एक बार वो महेश भट्ट को मनाने के लिए उनके पीछे दौड़ी और इस दौरान उनके कपड़े खुल गए और उन्हें इसकी भी सुतक नहीं लगी। ये बात उस समय की है जब कबीर बेदी और परवीन बॉबी का ब्रेकअप हुआ था। इसके बाद उनकी जिंदगी में महेश भट्ट आए, जो कि पहले से शादीशुदा थे। अपने पुराने रिलेशनशिप्स टूटने की वजह से परेशान परवीन बॉबी काफी परेशान रहती थी और अब उनकी महेश भट्ट के लाइफ में आने से वो हर हाल में उन्हें पाना चाहती थी। एक दिन महेश भट्ट और परवीन के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद वो परवीन से नाराज होकर बाहर चले गए। तभी परवीन भी उनके पीछे दौड़ने लगी। कहा जाता है जब परवीन उनके पीछे दौड़ रही थी तो उन्होंने नाइटी पहनी हुई थी, लेकिन भागते हुए परवीन के कपड़े खुल गए और इसका उन्हें पता तक नहीं चला। महेश भट्ट के साथ रोमांस के दौरान ही परवीन बॉबी को मानसिक बीमारी शुरू हुई थी, जिसका नाम पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया था। 1983 में परवीन बॉबी ने बॉलीवुड को छोड़ दिया। थोड़े समय तक वो बैंगलोर में रही, इसके बाद अमेरिका चली गई। अमेरिका में भी उनकी मानसिक बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला। अपनी बीमारी के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन सहित दुनिया के नामचीन लोगों से अपनी जान को खतरा बताया था। 1989 में परवीन बॉबी भारत लौट आई और 2005 तक मुंबई में रही, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांसें भी ली।